हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तपती गर्मी में, झुलसाती गर्मी में अगर ठंडी ठंडी क्रीमी और थिक लस्सी पीने को मिल जाए तो उसकी तो बात ही कुछ और है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फ्लेवर्ड लस्सी की। आज हम आपको अलग अलग फ्लेवर्स में 5 तरह से लस्सी बनाना सिखाएंगे। अब सभी की डिमांड होगी पूरी, अब किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। जो लोग दही खाना पसंद नहीं करते हैं या जिनको दही का फ्लेवर पसंद नहीं है, उनके लिए भी आज हम लाए हैं डिफरेंट कलर की लस्सियाँ। जी हाँ, बहुत अलग अलग फ्लेवर्स की लस्सियाँ हम आज लेकर आए हैं, तो आप रेसिपी को एंड तक देखिए। हाँ, एक बात और, वीडियो के एंड में हम आपको एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना नहीं भूलें। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स की लस्सी बनाने के। और कैसे हैं मेरे फूडीज, वेलकम टू आवर YouTube चैनल चेतना सास बहू कुकिंग क्लासेस। तो आइए बनाने, खाने और खिलाने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे काजू किशमिश लस्सी। इसके लिए मैंने एक बाउल में दही ले लिया है और इसमें से हम धीरे धीरे करके सभी लस्सियों के लिए दही काम में लेंगे। इस दही को मैंने आधा घंटा लटका के रख लिया था, थोड़ा गाढ़ा कर लिया। आप ध्यान रखें, दही जो है बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, दही मौला होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए, तो लस्सी बहुत टेस्टी बनेगी। इसमें से मैं 1 गिलास दही यूज कर रही हूँ और इसको मैंने एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लिया। अब हम इसमें पीसी हुई शक्कर डालेंगे, 2 चम्मच पीसी हुई शक्कर डाल रहे हैं। ये मैंने 3 इलायची ली थी जिसका यहाँ पे पाउडर कर लिया है, वो भी इसमें मिक्स कर देते हैं। थोड़ी सी केसर भिगो के रखी थी, थोड़ा सा इसमें केसर मिक्स कर। अब हम ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अब इसमें 2 चम्मच आइस डाल देते हैं जिसको क्रश करके रखा था। अब इसको ब्लेंड करते हैं अपन। अब हमने जो काजू किशमिश भिगो के रखी थी 2 चम्मच इसमें ऐड कर देते हैं और एक बार अच्छी तरह से हिला लेते हैं। बहुत ही अच्छी लस्सी बनी है, बहुत ही क्रीमी गाढ़ी। तो ये हमारी लस्सी, काजू किशमिश वाली लस्सी बिल्कुल रेडी है। इसको अब सर्व कर देते हैं। अब पिस्ता और बादाम कटिंग से इसको गार्निश कर देते हैं। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट लस्सी, हमारी मैंगो लस्सी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। जो ड्राई फ्रूट लस्सी में दही लिया था हमने 1 गिलास, इसमें हम 1/2 गिलास ही दही लेंगे। दही को मिक्सिंग बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। एक मीडियम साइज का आम था जिसको मैंने आधे आम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और इसका मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया। इसको हम दही में मिक्स करेंगे और छोटे पीसेस को हम ऊपर से गार्निश करेंगे। शक्कर अब इसमें हम 1 चम्मच मिलाते हैं क्योंकि आम मीठे हैं, आप आम के अकॉर्डिंग शक्कर जो है घटा बढ़ा सकते हैं। और 2 चम्मच आइस ऐड कर इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। अगर आप चाहें तो मिक्सी के ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। अगर हम केसर आम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर केसर आम नहीं है तो मैं इसमें थोड़ा सा केसर ऐड कर देती हूँ, बहुत ही अच्छा कलर आएगा और खुशबू आएगी केसर की। बहुत ही बढ़िया लस्सी बनी है, इसको अब सर्व कर देते हैं। अब जो छोटे छोटे पीसेस कटे हुए थे उनको इस पे गार्निश करते हैं। अब हम बनाएंगे तीसरी लस्सी, रोज लस्सी। रोज सिरप को हम दही के साथ में एक अलग फ्लेवर के साथ में पियेंगे। आप देखिए, मैं दही ले रही हूँ, 3/4 ग्लास मैंने दही लिया है। इसमें मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देते हैं इसको। 2 चम्मच मैंने इसमें रोज का शरबत ऐड कर दिया है, आइस को क्रश किया वो ऐड कर देते हैं और ब्लेंड करते हैं। वाओ, बहुत ही बढ़िया कलर आया और बहुत ही सुंदर दिख रही है ये। तो ये रेडी है
रोज लस्सी, इसको अब हम ग्लास में ट्रांसफर करते हैं। बहुत ही क्रीमी और थिक लस्सी बनी है, वाओ। थोड़ा सा रोज सिरप इस पर डालेंगे, गार्निश करेंगे, सुंदर लग रहा है ये। अब हम बनाने जा रहे हैं बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली चॉकलेट लस्सी। उसी ग्लास में 3/4 ग्लास दही ले लेते हैं, मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर दिया इसको। यहाँ पे मैं 1 चम्मच कोको पाउडर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास में कोको पाउडर नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट डेरी मिल्क यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे चॉकलेट सिरप और इसमें 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, थोड़ा सा आइस, और अब इसको ब्लेंड करते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर आपके पास में चॉकलेट सिरप और कोको पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी डेरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट बिस्किट को क्रश करके डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लस्सी बनके रेडी हो गई है, देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है ये। इसको हम ग्लास में शिफ्ट करते हैं, वाओ बहुत ही थिक लस्सी बनी है। चॉकलेट बिस्किट से गार्निश कर देते हैं। खस की फ्लेवर को दही के साथ एंजॉय करेंगे, तो अब हम बनाते हैं। इसके लिए मैं 3/4 गिलास दही ले रही हूँ, मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। अब हम 2 चम्मच इसमें खस का शरबत डालेंगे, थोड़ा सा आइस डाल देते हैं और इसको अब ब्लेंड करते हैं। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें 1-2 ड्रॉप फूड कलर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। फिर से हिला लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। खस लस्सी बिल्कुल रेडी है बन करके। गर्मियों में खस पीना बहुत ही फायदेमंद होता है और वो भी दही के साथ में। अब इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत लस्सी लग रही है। इसमें हमने थोड़ी सी ये टूटी फ्रूटी डाली है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो ये हमारी खस लस्सी बनकर के बिल्कुल रेडी है। अब हम लास्ट में बनाने जा रहे हैं मेरा फेवरेट फ्रूट कर्ड। एकदम से एनर्जी बूस्ट करता है ये, व्रत हो उपवास हो तो इसको तुरंत बना लें और बिल्कुल फ्रूट क्रीम का टेस्ट लेगा। अगर हम फ्रूट क्रीम नहीं बना पा रहे हैं, क्रीम अवेलेबल नहीं है हमारे पास में, तो दही में इस तरह से आप ये फ्रूट कर्ड का आनंद लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास दही लिया है और इसमें 2 से 3 चम्मच शक्कर डालेंगे हम और इसको ब्लेंड कर देते हैं। अब हम इसमें 1-1 करके फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने छोटे छोटे पीसेस में फ्रूट्स को काट के रखा है, जो अवेलेबल फ्रूट्स थे उनको मैंने काट लिया है। अपन और भी ज्यादा फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। सबसे पहले काजू और किशमिश, जिनको कि मैंने भिगो के रखा था। चीकू को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, वो भी ऐड कर देते हैं इसमें। केले को छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा था, ये भी ऐड कर देते हैं। 1 अनार के दाने निकाल के रखे थे तो 1/2 दाने हम अभी इसमें मिक्स कर देते हैं। और अगर आपको पसंद हो तो ये टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं आप। मैं इसमें मिला रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप ये देखिए बहुत ही शानदार बना है फ्रूट कर्ड। इसको सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप देख रहे हैं। जो दाने बचा के रखे थे थोड़े से ऊपर से गार्निश कर देते हैं, थोड़ा सा जो केसर भिगो के रखा था उसको भी हमने डाल दिया है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो हमारा तैयार है ये फ्रूट कर्ड। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।